बच्चों मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, क्योंकि आप अपने आप को भी एनालाइज करेंगे इसको करने के बाद, सब प्रॉब्लम करने के बाद। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, अ साइंटिस्ट कंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट दैट व्हेन अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज फायर्ड इनटू अर्थ, देखिए इसी तरह कुछ है, इट एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स Fi। रिटार्डिंग फोर्स की इक्वेशन दी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, where constant C1 and C2 depends upon the properties of the material and shape of the projectile. If the impact velocity of the projectile is V0, impact velocity मतलब इससे initiate किया जाता है, यहाँ पे V0 है, वही impact velocity से छोड़ा गया इसलिए। मतलब at t is equals to zero इसका मतलब क्या है? At t is equals to zero, V is equals to V0. ठीक है? Then its total penetration will be, total penetration मतलब कहाँ तक ही गया? कहां तक जाने का मतलब क्या है? टोटल पेनिट्रेशन तब होगा, कब होगा? व्हेन v इज इक्वल्स टू 0, जब वेलोसिटी मतलब उसकी मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगी, मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम जब बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पहुंच जाए या मैक्सिमम अपने डिस्टेंस तक पहुंच जाए, तहां वहां तक उसकी ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसको मैक्सिमम टोटल पेनिट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ भाषा का फेर है, तो ये बच्चा भरा जाएगा इसमें सर कि ये टोटल पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है। टोटल पेनिट्रेशन मतलब जब उस मैक्सिमम हाइट, अगर वो ऐसे फेंका जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट पहुंच जाए, नीचे फेंका जा रहा है तो ग्राउंड तक पहुंच गया, मतलब एट लास्ट रेस्ट पर आ गया। ठीक है, व्हेन v इज इक्वल टू 0, ये दो कंडीशंस हमने यहीं पे आपको खोल के रख दी कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू v नॉट है, टोटल पेनिट्रेशन में v इज इक्वल टू 0 है। क्या निकालना है? टोटल पेनिट्रेशन मतलब इस टोटल पेनिट्रेशन मतलब क्या है? एट वॉट वैल्यू ऑफ एक्स, कितने डिस्टेंस पर जो है वो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, अपने बेसिक फॉर्मुलेशन पे जाते हैं। क्या है हमारा बेसिक फॉर्मुलेशन? सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू एम ए, ये तो होता है इंपल्स कर लो, तो क्या है एम, क्या होता है डीवी बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, एम ए क्या दिया हुआ है, माइनस सी वन माइनस सी टू वी स्क्वायर। क्लियर है, हम यहां पर एक काम कर सकते हैं कि डीवी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये लिख सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए, क्या हो गए एम वी डी वी कौन डी एक्स आ जाएगा, माइनस सी वन माइनस सी टू वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है किसी स्टैंड पर, जिस स्टैंड पे वेलोसिटी होगी तो यही भी आएगा, क्योंकि इसी स्टैंड पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और इसी स्टैंड पे वेलोसिटी को हम मान रहे हैं। क्लियर है, तो यहां तक हम आ गए। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें वेलोसिटी का टर्म था हमारे पास, इससे हम काम कर सकते हैं, इसको हम बायफर्केट करते हैं अपॉन माइनस सी वन माइनस सी टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा dx। फायदा इससे क्या होगा हमारा कि dv के टर्म्स एक साइड आ गए, इंटीग्रेट जब करेंगे दोनों साइड पे हम तो हमें आराम मिलेगी। कैसे आराम मिलेगी भाई, देखिए एक तो अगर हम माइनस सी वन माइनस सी टू वी स्क्वायर हम x या z मान लें, लेट इसको z मान लें अगर, तो अगर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो क्या होगा, माइनस टू सी टू वी डी वी इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा, हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, v dv की वैल्यू चाहिए, v dv को रख लेते हैं, क्या आएगा इज इक्वल टू माइनस हाफ सी टू माइनस हाफ सी टू डी जेड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, m बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, वी डी बी को हम पूरा पूरा क्या करेंगे, माइनस माइनस हाफ सी टू हमने कर दिया, यहां पर यहां क्या बचेगा, वी डी बी की जगह माइनस टू सी टू बाहर आ गया, डी जेड बचेगा। ठीक है, डी जेड बाई जेड, क्लियर है, इज इक्वल टू एक्स प्लस कुछ कॉन्स्टेंट सी, ये क्या हो जाएगा माइनस एम बाई टू सी टू, क्या होगा एल एन
ln z, और z की वैल्यू क्या है माइनस सी वन माइनस सी टू वी स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, अभी x निकालना है हमें, एक ही कंडीशन हमारे पास है, वो कंडीशन क्या है कि सबसे पहले कॉन्स्टेंट निकालेंगे। कॉन्स्टेंट कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैसे कॉन्स्टेंट निकालेंगे, पहली कंडीशन यूज करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, एट t इज इक्वल टू जीरो वी इज इक्वल टू वी नॉट, तो कर लेते हैं एट t इज इक्वल टू जीरो, जब t को जीरो रखेंगे मतलब इनिशियल टाइम में, तो v आपका क्या है, वी नॉट है। ठीक है, तो इसके पहला कंडीशन अगर आप ऐड करें तो इसमें देखिए टी का कोई टर्म आ नहीं रहा है, टी का कोई टर्म यहां पे है नहीं, तो ये कंडीशन हमारे किसी काम की है नहीं फिलहाल में। तो हम क्या कर सकते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू, जब हमारा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो वी हमारा क्या है, वी नॉट है। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अब इनिशियल जो पॉइंट जहां से भी जब डिस्टेंस कवर नहीं किया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू v नॉट। तो यहां पर क्या है कि हमारा t इज इक्वल टू t नॉट, एट t इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू, दोनों के समय पे v इज इक्वल टू v नॉट है, क्योंकि इनिशियल में इसी पे सेंड किया है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अंदर जाकर हम वही चीज कंडीशन क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पे करेंगे, क्योंकि यहां पर t का कोई टर्म है नहीं, s का टर्म है, तो क्या हमें कांस्टेंट निकालना है, क्या करना पड़ेगा, माइनस m अपॉन 2 c2 ln, क्या होगा माइनस सी वन माइनस सी टू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, सी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। जब सी की वैल्यू डायरेक्ट आ गई ऑब्वियस बात यहां रख लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से जब सी की वैल्यू यहां पे ऐसे रखेंगे ये क्वांटिटी जब प्लस में आ जाएगी, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस एम बाई टू सी टू एल एन माइनस सी वन माइनस सी टू वी स्क्वायर। ठीक है, और ये सी क्वांटिटी यहां पर क्या है प्लस, ये माइनस में है, सी की वैल्यू माइनस में है, उधर जाएगी तो प्लस में आ जाएगी, तो प्लस क्या होगा एम बाई टू सी टू एल एन माइनस सी टू माइनस सी टू वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, अगर हम कॉमन ले लें m बाई टू सी टू को तो क्या बनेगा ln, ये पॉजिटिव है तो यू पर आएगा माइनस सी वन माइनस सी टू वी नॉट स्क्वायर बाई माइनस सी वन माइनस सी टू वी स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू अभी आई, पोजीशन की वैल्यू पता चल गई हमें कि किस पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, और पेनिट्रेशन कब होगा, लेकिन पेनिट्रेशन कब होगा, जब v जीरो होगा, एट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन में क्या होगा x जो होगा वो x मैक्स होगा, क्योंकि मैक्सिमम, क्योंकि v जब जीरो आएगा तो जितना डिस्टेंस कवर करना होगा वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो x मैक्स क्या निकल के आएगा, अब इस बार कुछ ना करिए, v को जीरो कर दीजिए, v को जीरो कर दीजिए, क्या आएगा m by 2 c2 ln minus c1 minus c2 v0 as it is रहेगा v0 square upon, ये क्वांटिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, v जीरो हो जाएगा, तो minus c1। ठीक है, ये x max हो गया, दिस इज तो दिस इज द इंपैक्ट, अगर इंपैक्ट वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की v0 है तो इसका टोटल पेनिट्रेशन कितना मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, वो ये रेंज कवर करेगा, दिस इज द मैक्सिमम रेंज कवर। ठीक है, कि हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वी को जीरो कर दिया, दो कंडीशंस थी हमारे पास, टी इक्वल जीरो पे वी वी नॉट है, टी इक्वल टू जीरो मतलब जब जब टाइम जीरो है तो कुछ कवर ही नहीं होगा, तो ये सेम कंडीशन है एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, वही टी इक्वल टू जीरो होगा, जब टी इक्वल टू जीरो होगा तब एक्स इक्वल टू जीरो होगा, और इस पर वी इक्वल टू वी नॉट होगा। तो पहली कंडीशन ने लगाइए यहाँ पर केस वन पे, यहाँ पे लगाइए, इससे हमें सी निकाला, और सी निकाल के हमने एक्स निकाल लिया, पोजिशन निकाली, लेकिन ये पोजिशन किसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी पर आएगी, हमें क्या चाहिए मैक्सिमम चाहिए,
मैक्सिमम पेनिट्रेशन मैक्सिमम रेंज तब होगी जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो वी को आपने जीरो कर दिया, दिस इज द मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑफ द मास है, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों इस तरह के प्रॉब्लम जो है ये बेसिकली प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं और ये मेंस के हैं, सॉरी अब आपके यहाँ प्रीलिम्स मेंस तो होता नहीं है, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके आएंगे आईआईटी एडवांस्ड में, ठीक है, आईआईटी एडवांस में आएंगे या नीट में कुछ हद तक आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो जो ये क्वेश्चन भेजा था ये तो एक ऐसा बंदा था जो नीट एडमिशन कर रहा है, मैं उसको सलाह दूंगा ये क्वेश्चन ठीक है, आप इसके लॉजिक समझ लीजिए, क्योंकि देखिएगा टाइम पर हम बात करते फिर आर लगाते आर मैक्स से निकालते तो शायद ये चीज ना निकल पाती, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी आपका क्या दी होती है लीनियर दी होती है कि वे वी नॉट से गया है, यहाँ पे क्या है किसी सिस्टम पे जो आपको रिटार्डिंग फोर्स अलग से दिया हुआ है, तो इसमें आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक काम आएगा जहां से इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, ना कि बनी बनाई इक्वेशंस, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे हमें क्वेश्चन भेजते रहते हैं, हम आपको बताते रहते हैं। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट थी क्यों डीएस को हमने अंदर लिया, क्योंकि यहाँ पे जब कोई पार्टिकल अगर डीएस अंदर ना लग रहा होता बाहर की तरफ लग रहा होता तो ये पार्टिकल क्यों जाता ना कि रिटार्डिंग फोर्स इस तरह से, ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है तो हॉरिजॉन्टली जब प्रोजेक्ट किया जाएगा तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टली से ऊपर नहीं जाता, और एटलीस्ट बेसिक इक्वेशन जो बनती है नीचे की ही बनती है कि रिटार्ड हो रहा होगा अपने से, इसीलिए इक्वेशन इस तरह की फॉर्मुलेशन पे बनी है, ठीक है। जो इस तरह करेंगे तभी कुछ इस तरह से इक्वेशन आ पाएंगे, और यहाँ पर भी वही चीज है कि यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू नॉन लीनियर दी हुई है, इसलिए आपको बेसिक इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे काम नहीं करेंगे, यहाँ बने बने मेथोडोलॉजी काम नहीं करेगी, आपको निकालना पड़ेगा अपने बेसिक एफ स्क्वायर टू एमए से, हर बार आप देखेंगे एफ स्क्वायर टू एमए से ही हर चीज की शुरुआत होती है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम हमें भेजते रहिए, हम और लोगों को भी जागरूक करते रहेंगे। और एक बात और, स्कैप रोबोटिक सेंटर जिससे मैं जुड़ा हूँ, वो स्कैप रोबोटिक सेंटर हमने इसी मोशन इसी ध्येय से बनाया था कि आप लोग जो है जो बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन वो उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो हमसे जुड़े, मैं बराबर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, जैसे मुझे आप मैसेज करें कमेंट करें बताएं मुझे, अगर कोई ऐसी आर्थिक समस्या है जिसमें कि आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं मुझसे कॉन्टेक्ट करें, हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे हैं ऐसे बच्चों को निकालने के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत गरीबी के हाल में जी रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य को बनाने के लिए जिससे उनका परिवार एक सुख समृद्ध जीवन जी सके आने के लिए हम लोग इसकी पहल कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कैप रोबोटिक सेंटर हमेशा इस काम के लिए आगे बढ़ता रहेगा, आगे काम करता रहेगा, बस आपके समर्थन और प्रोत्साहन की जरूरत है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो लगता है कि जो है गरीब है या वो उसके अंदर प्रतिभा है वो कुछ कर सकता है तो हमें आप बिल्कुल भेजें, चाहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे करें, हम उसको कॉन्टेक्ट करेंगे, उसका जो है किसी तरह उसको लाएंगे मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में कि नहीं तुम ये चीज कर सकते हो, देश को हमारे देश को अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत हमेशा से थी, ठीक है। ये वो नहीं है जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के बस इंजीनियर बन गए, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग का मकसद ही यही है, क्योंकि जो इंजीनियर बन रहा है देखिए जो कंडीशंस है हमारे पास, कंडीशंस अगर अच्छे इंजीनियर हमारे पास होते तो शायद बहुत सी डेवलपमेंट जो जापान डेवलपमेंट है न्यूजीलैंड डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हमारे पास हो सकता था, लेकिन शायद उस स्तर से चीज बनी नहीं, ठीक है। तो हम इस चीज को इंडिया को इस तरह से आगे लाना चाह रहे हैं कि वो बच्चा आगे निकल के आए जो चाह रहा जो काम कर रहा है वो सही नहीं है उसके लायक नहीं है उसको और अच्छे से अच्छा वो कर सके, ठीक है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।